आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे पीएम प्लान डिजाइन एंड नॉलेज में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल से आप लोगों को घर का नक्शा के अलावा घर का कंस्ट्रक्शन का आइडिया भी दोस्तों मिलता रहता है। वैसे ही आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ जो कि है सेप्टिक टैंक से जुड़ी है। सेप्टिक टैंक दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप 3 से 5 मंजिला का घर बना रहे हैं तो सेप्टिक टैंक का जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, जो गहराई है वो कितना आप रखें, ताकि मान लीजिए 5 मंजिला के घर में अगर 30 से 35 आदमी अगर मेंबर रह रहे हैं तो उनका जितना भी बाथरूम का हो, टॉयलेट का हो, किचन का हो, जितना भी वेस्ट वाटर रहेगा दोस्तों, वेस्ट डंप रहेगा दोस्तों, सारे का सारा आके सेप्टिक टैंक में आपका जमा होगा। तो किस प्रकार का आप इसको डिज़ाइन करना चाहिए, कैसे दोस्तों बहुत जल्दी आपका सेप्टिक टैंक भरेगा नहीं, किस प्रकार का आप डिज़ाइन कर सकते हैं, सारा का सारा डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप नज़र कीजिए, ये जो कॉलम देख रहे हैं एक वहाँ से वहाँ तक, और एक जो कॉलम दो, और वहाँ से यहाँ तक और एक कॉलम तीन, ये जो कॉलम आप देख रहे हैं चार, ये दोस्तों आपका पार्किंग का दोस्तों एरिया है, जो कि आप यहाँ पर 2-3 कार के अलावा बाइक वगैरह के साथ ये पार्किंग में आप पार्क कर सकते हैं। और जो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी G+2 का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में दोस्तों 5 मंजिला कंस्ट्रक्शन का काम का प्लान है, प्लानिंग जो है 5 मंजिला के लिए है। इसीलिए दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो शटरिंग हुआ है, ये लिफ्ट का शटरिंग हुआ है, क्योंकि 5 मंजिला है तो लिफ्ट का प्रोविजन यहाँ पर रखा गया है। सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो सेप्टिक टैंक का जो पार्किंग के नीचे जो सेप्टिक टैंक दोस्तों बनाया जा रहा है, और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि किस दिशा में आप सेप्टिक टैंक बनाएं, क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों का डाउट ये है कि सेप्टिक टैंक वास्तु के मुताबिक किस दिशा में हम बना सकते हैं, ताकि वास्तु के अनुरूप कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट उनके घर के ऊपर ना पड़े। ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक है, आप देख सकते हैं सेप्टिक टैंक वास्तु के मुताबिक किस दिशा में बनाना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेप्टिक टैंक का जो लंबाई और चौड़ाई आपको रखना है वो दोस्तों आपको रखना है 11 फीट बाय 12 फीट। दोस्तों इसका जो लंबाई रहेगा ये रहेगा 12 फीट, जो चौड़ाई दोस्तों रहेगा वो रहेगा 11 फीट। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो लंबाई रखा गया है वो 12 फीट रखा गया है, जो चौड़ाई रखा गया है वो दोस्तों 11 फीट रखा गया है, और दोस्तों जो गहराई आप रखेंगे वो दोस्तों आप 8 से 9 फीट तक गहराई दोस्तों रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। करीब करीब मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोस्तों 10 फीट आप गहराई रख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कई लोगों का ये दोस्तों मानना है कि सेप्टिक टैंक जितना बड़ा होगा, जितना गड्ढा आप करेंगे उतना जल्दी भरेगा नहीं। दोस्तों ये पूरा गलत बात है, उनको आइडिया नहीं है। दोस्तों क्या आइडिया नहीं है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप मान लीजिए छोटा सा भी दोस्तों आप सेप्टिक टैंक बना रहे हैं, लेकिन उसका जो पार्टीशन का वॉल का जो डिज़ाइन आप बना रहे हैं वो दोस्तों डिपेंड करेगा सेप्टिक टैंक आपका कितना जल्दी भर रहा है, कितना जल्दी नहीं भर रहा है। यहाँ पे दोस्तों 11 फीट बाई 12 फीट का जो खुदाई किया गया है, यहाँ पे गहराई रहेगा 8 फीट का गहराई रहेगा, लेकिन इसका जो पार्टीशन किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 पार्टीशन किया जाएगा, जो कि यहाँ पे सोकपिट भी दोस्तों ऐड किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एक इनलेट रहेगा दोस्तों, एक इनलेट से पानी आएगा, वहाँ से भरेगा तो दूसरे वाले चैम्बर में जाएगा, वहाँ से भरेगा तो तीसरे वाले सोकपिट में जाएगा, और मान लीजिए अगर वो सोकपिट भर गया तो वो चौथी वाले जो सोकपिट है वहाँ पे जाएगा, वहाँ से एक मैनहोल रहेगा दोस्तों, जो कि म्युनिसिपल का गाड़ी आके वहाँ से खाली हो सकता है। उसका जुड़ाई का जो डिज़ाइन रहेगा दोस्तों, ये अभी तो काम शुरू हुआ है, जैसे ही दोस्तों आगे काम होता जाएगा मैं इसका अपडेट आपको पूरा देता जाऊंगा। किस प्रकार का दोस्तों यहाँ पे बीम रखा गया है। दोस्तों बीम क्यों रखा गया, क्योंकि 2 से 3 कार यहाँ पे रहेगा, कार का लोड, बाइक का लोड, ताकि ये सेप्टिक टैंक भी ले सके। किस प्रकार का बीम के साथ पिलर भी कनेक्ट रहेगा वो भी दोस्तों मैं आपको आगे दिखाऊंगा, अभी तो कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, आगे मैं आपको पूरा अपडेट आपको इसमें बताऊंगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि 11 फीट बाय 12 फीट आप सेप्टिक टैंक का खुदाई कर सकते हैं, और जो गहराई आप रखेंगे वो आप 8 से 10 फीट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 फीट आप गहराई रख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।